अरे दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो रहा हूँ मैं तो। काम सारे दोस्त करते रहते होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, आज ये इन्वर्टर चार्जर मेरे पास आया था रिपेयर होने के लिए। ये मॉडल नंबर ये है, राउंड का है। तो 220 उम्र बोला, कस्टमर बोला तो 220 ओवर वोल्टेज होने से इसमें फॉल्ट आ गया। तो सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया तो इसके ये सेफ्टी पीएफ फटे हुए हैं। ये देखो, सेफ्टी पीएफ जो फटे हुए हैं दोनों। तो ये सेफ्टी पीएफ अपन लगाते हैं, फिर इसमें चेक करते हैं और कौन क्या क्या मसला हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसकी जलती हैं। सबसे पहले ये सेफ्टी पीएफ निकालते हैं, उसके बाद इसके फ्यूज चेक करने होंगे। दोस्तों, पी एफ मैंने इसमें लगाए तो अभी भी ये देखो, मैंने ये 220 की तार निकाली हुई है। ये 220 से लगा रहा हूँ तो इसकी अभी सीरियस नहीं आ रही। जैसे मैं ये आगे इसकी सप्लाई देता हूँ, देखो ये अभी सीरियस नहीं आ रही, बिल्कुल सीरियस नहीं आ रही। ठीक है, बल्ब नीचे लगा हुआ है तो रोशनी नहीं आ रही। तो अभी मैं ये तार लगा रहा हूँ वापसी। ठीक है, तो इसमें शार्टेज वगैरह और भी हो गई है। ठीक है, ये मैंने तार लगा दी, देखो नीचे अभी सीरियस लाइट आएगी इसमें। ठीक है, तो इसमें आगे भी शार्टेज हो गई, तो चेक करते हैं कहाँ से शार्टेज है। वीडियो भी रहना तो दोस्तों, इसके नट वगैरह सारे अंदर लगे हुए थे सर्किट में। यहाँ से इसके ये सर्किट भी उतारना होगा अपन को। ये साइड वाला नट वगैरह सारे खोल लेंगे होंगे, ये मैंने सारे खोल लिए। तो ये अभी चेक करते हैं अंदर से कहाँ से फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो एक दूसरा भी जेन में आई थी टिका भाइयों से शेयर करता है। चलो, अगर आप इसको पहली मरतबा खोल रहे हो तो जैसे देखो, मैंने ये क्लिप निकालना है तो क्लिप पे निशान मार लेना, तो अपन को पता लगेगा भाई ये क्लिप ये मैंने यहाँ से निकाला। ठीक है, अगर कोई दोस्त पहली मरतबा वीडियो देख के खोल रहा है तो ईजी रहेगा। ठीक है, जैसे जो जो क्लिप निकालना है वहाँ पर निशान मार लेना, भाई ये क्लिप मैंने यहाँ से निकाला था, इसमें लगाना है वापसी। ठीक है, इस हिसाब से। तो अभी इसमें क्या होगा, वो दिक्कत नहीं होगी कोई भी, क्लिप उल्टा सीधा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्लिप लगे होते हैं। अमूमन दोस्त क्लिप निकालते हैं फिर पता ही नहीं लगता यार ये क्लिप कहाँ लगा है। तो काफ़ी मरतबा मेरे से भी ऐसा हुआ था, तो एक दो चीज़ें मैंने जलाई भी थी। तो अभी जो भी मैं चीज़ें रिपेयर होने के लिए आती हैं तो ऐसे मैं निशान मार देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इसके नट वगैरह मैंने खोले तो इसके ऊपर ये कवर वगैरह लगे हुए थे, ये भी मैंने खोले। तो ये भी एक सेफ्टी पीएफ है, ये भी देखो इसका ये भी खुला हुआ है, ये भी ख़राब है। इस वजह से मुझे लग रहा है ये आगे शार्टेज है। देखिए दोस्तों, इसको खोलने के लिए बिल्कुल काबाड़ा करना पड़ता है, फिर जाके ये खुलता है। तो मैंने बिल्कुल इसको ओपन कर लिया। तो ये देख रहे हो, इसका पीएफ यहाँ से फटा हुआ है। तो ये जूम करके थोड़ा मेरा आप दोस्तों देखो, ये खुला हुआ है, इसमें से पार्ट भी ये निकलेंगे। तो हो सकता है इसमें शार्टेज हो सकता है आगे दूसरी कोई शार्टेज हो। तो ओपन कर लेता हूँ उसको, सर्किट नट वगैरह मैंने सारे इसके खोल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला है, इसको निकालते हैं बाहर। ये तो दोस्तों, ये मैंने निकाल के बाहर ओपन कर लिया। तो ये तीन शार्ट थे तीनों, वो मैंने ऑलरेडी रखे हैं। बाकी ये भी लगाता हूँ। तो सबसे पहले इधर ही इसको चेक कर लेता हूँ शार्टेज है या नहीं, पहले शार्ट बता रहा था। ये तो दोस्तों, मैंने इसको इन्वर्टर को किया ओपन, तो इसके देखो ये मॉस्फेट सारे डीसी साइड एसी साइड पे भी शार्ट है। तो ये मॉस्फेट इसके शार्ट आ रहे हैं और इसके ये नीचे लगे हुए हैं, ये भी मैंने चेक किए थे, ये भी शार्ट आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कर लेता हूँ इसको ओपन, उसके बाद पहले अपन को इस साइड। ठीक है दोस्तों, ये डीसी साइड वाली अपन को इसकी बेस बनानी होगी, इसकी बेस बना के फिर ये लगाएंगे, इसके बाद वो ट्रांसफर लगाएंगे। इन्वर्टर जैसे अपन इन्वर्टर रिपेयर करते हैं बिल्कुल वैसा ही तरीका है। ये तो दोस्तों, इसकी मॉस्फेट साइड वाले तो इजीली निकल जाते हैं, ये जहाँ से नट खुल जाते हैं सही है। बाकी ये तो बड़ा मुश्किल, भले इसमें एक भी ट्रांसफर मॉस्फेट ख़राब हो तो ये पूरी पूरी पट्टी खोलनी पड़ेगी। यहाँ से ये नट वगैरह लगे हुए हैं ये वाले। ठीक है, ये नट खोलने पड़ेंगे, ये नट खोलने पड़ेंगे। एक मॉस्फेट भी ख़राब होगा
तो अपन को पूरा खोलना पड़ेगा, खोलना इस वजह से पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखो इस साइड के इसके नट भी नहीं है, नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो इसके मॉस्फेट बिल्कुल नीचे, इसके नीचे की तरफ लगाए हुए हैं। इधर से एक दो को ख़राब होंगे तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपन एक दो को ही लगा सकते हैं जो दिखने में आ रहे हैं अपन को। बाकी जो इसके चोपर के नीचे हैं, ये सीधे हीट सिंक के नीचे लगे हुए हैं, ये अपन को पूरी पट्टी खोलनी होगी। तो इसमें 4-5 शॉट आ रहे हैं, मैंने निशान मार रख के रखा हुआ है। ठीक है, तो एक निशान मैंने ये मारा है, ठीक है, और एक निशान मैंने ये मारा है, एक निशान ये मारा, ये बीप आ रही थी इसमें, तो इसको मैंने अभी पूरी पट्टी खोलनी है। और मुश्किल काम होता है, थोड़ा ऐसे एहतियात से करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इसके टांके वगैरह फ्रंट शक्कर पंप की मदद से इजीली इसको क्लियर कर लेना है। देखो देखो, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। देखो ये सारे इसके अलग हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कोई फ्रंट लगा हुआ और इसको वापसी अपन जो नीचे से खींचें तो इसके फ्रंट ख़राब हो जाए। तो इसको इजीली एक मरतबा, एक नहीं दो तीन मरतबा, चार मरतबा, पाँच मरतबा चेक करके फिर प्रिंट निकालने चाहिए। तो अभी मैंने ये सारे टांके इसको कर लिए ओपन, तो अभी इसको करता हूँ नट ओपन, फिर निकालता हूँ इसको बाहर। तो दोस्तों फाइनली ये मैंने ओपन कर लिया। देखो इसके फ्रंट भी कोई भी टूट नहीं हुई, तो इसको प्रॉपर इजी तरीके से ओपन करना है, जैसे नहीं फ्रंट टूट हो जाए। ठीक है दोस्तों, फ्रंट का बहुत ख्याल रखना है। तो अभी इसमें चेक कर लेंगे कौन से मुश्किल ख़राब है, दो खराब है, तीन खराब है, चार खराब है। एक मरतबा चेक कर, एक मरतबा इसी तरीके से चेक कर लेंगे। ठीक है, मुतमिन होके चेक करना सही है, ऐसे नहीं जल्दबाजी में आप लगा दो और फिर आपको दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से थोड़ा करेक्टली ईजीली आराम आराम से चेक करना है। तो दोस्तों इसको मुश्किल एक ये ख़राब है, एक ये ख़राब है, मैंने निशान आगे भी मार के रखा है इस पर, मार करके रखा है। और अभी ये इसकी भी हीट सिंक मैंने उतार ली है, तो इसकी ये रेस्टोरेंट वगैरह चिप रेस्टोरेंट वगैरह, तो ये चेक करेंगे अपन जो भी इसमें चिप खराब होगी। ये दो ट्रांसफर ये लगे हुए हैं और दो इसके नीचे ये वाले लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके रेस्टोरेंट भी चेक करेंगे, ऐसे सारे इसके बेसिंग वाली रेस्टोरेंट होती हैं, सेम टू सेम तरीका है जैसे अपन इन्वर्टर बनाते हैं, इसी तरीके से ये भी बनाएंगे। सबसे पहले इसकी बेस ओके करेंगे। ये तो दोस्तों अभी इसमें अपने 24 वोल्ट का ये इसके वोल्टेज देंगे। ठीक है, तो ये मैंने 24 वोल्ट कनेक्ट कर लिए, तो अभी यहाँ पे इसके 24 वोल्ट देंगे, उसके बाद अपन चेक करेंगे इसमें चार्जिंग वाली इसकी बेस वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बैटरी कनेक्ट कर ली, तो अभी एक ये एक दो और तीन ये अपन के लगे हुए हैं चार्जर में। ठीक है, एक दो तीन ये मॉस्फेट है, इसकी भी बेस सेम है। ठीक है, एक ही बेस है और कलेक्टर भी एक है, यूमीटर भी एक है। तो अपन किसी भी एक इसके मॉस्फेट पे यूमीटर रखेंगे ऐसे ग्राउंड से, तो मैं मोबाइल स्टैंड में रख लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मोबाइल रख लिया स्टैंड से, तो अभी ये मैं 220 की तार लगा रहा हूँ और मीटर पहले इस पर रख देना है ऐसे ही ग्राउंड और बेस पे। तो बेस पे लाल तार और ग्राउंड से ग्राउंड, और मीटर की रेंज 10 पे सेट करनी है। अभी 220 में तार लगा रहा हूँ। ठीक है, चार्जिंग वाले इसके वोल्ट बन गए। ठीक है, चार्जिंग वाले इसके वोल्ट बन गए 1.5 वोल्ट। तो अभी इसका मतलब है अपना मॉस्फेट की जो IC 45 लगी होती है उसमें चार्जिंग वाली, ये काम कर रही है, ये ठीक है। तो अपन इसमें अभी इसका जो एक मॉस्फेट शॉर्ट है, ठीक है, ये मॉस्फेट लगाएंगे इसमें से नहीं, और बाकी एक दो ये सही है, ये ख़राब है। और इसके जो AC आउट वाली जो साइड है उसका भी दो मॉस्फेट शॉर्ट है, ये दोनों चेंज करेंगे। तो ये साइड फिट कर लेते हैं, उसके बाद अपन लगाते हैं वो DC साइड वाला। तो दोस्तों अभी मैंने AC साइड इसकी कंप्लीट लगा ली है। ठीक है, तो इसमें AC साइड में एक मॉस्फेट ख़राब था चार्जिंग वाला, दो मॉस्फेट ख़राब थे ये AC साइड वाले। तो अभी DC साइड वाले इसके ये बनाते हैं, तो इसके भी इसी तरीके से सबसे पहले इसकी बेस चेक करेंगे। तो इसमें दो तीन ट्रांसफर भी लगे हुए हैं, ये चेक किए तो एक शॉट था, ये मैंने ओपन कर लिया। इसी तरीके से इसकी बेस बनाएंगे, चेक करते हैं इसकी IC काम कर रही है नहीं कर रही। तो दोस्तों इसका ये एक A में लगा है, एक C में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी एक A का एक C का है, तो इसमें तो एक
ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक पीस ख़राब था और इसकी बेस में भी ख़राब थे, ये बेस वाली ये 10 ओम्स की लगी हुई है, तो ये रेस्ट में मैं चेंज कर लेता हूँ, उसकी बेस प्रॉपर रेडी बना के फिर आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ये तो दोस्तों इसमें सारा कुछ मैंने लगा लिया, तो अभी अपन इसमें बेस चेक करेंगे, तो कार यहाँ पे रखेंगे, बेस पे रखेंगे, मीटर की रेंज 10 पे रखेंगे, तो ये बटन ऑन कर रहा हूँ इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बेस नहीं बनी, बेस नहीं बन रही, तो इसका ये आईसी ख़राब है, इसमें लगी हुई है 35-25 ये वाली आईसी इसकी ख़राब है। ठीक है, तो ये आप दोस्तों को दिखा देता हूँ, ये वाली आईसी, तो ये वोल्टेज नहीं दे रही, तो ये चेक करते हैं वोल्टेज क्यों नहीं दे रही, और इसमें एक आईसी ये भी लगी होती है, तो चेक करते हैं अपना आईसी में से इसके वोल्टेज नहीं आ रहे, या इसमें ये ट्रांसफर भी लगे होते हैं बेस में, या ये आईसी लगी होती है, देखते हैं कहाँ से अपन के वोल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली आईसी लगी हुई है, इसकी इस 2 पॉइंट पे इसको ऑन करने में वोल्ट बनने चाहिए तो नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये अपनी बड़ी वाली आईसी ख़राब है, 35-25 तो ये चेंज करके। ठीक है दोस्तों, तो आईसी मैंने ये निकाली है बाहर, तो अभी इसमें लगाते हैं न्यू। ठीक है दोस्तों, ये वाली आईसी इसकी मैंने चेंज कर ली है, तो अभी इसकी बेस बन गई है, तो आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ, देखो इसकी बेस जैसे इसको ऑन करेंगे तो इसकी बेस बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी बेस बन जाएगी, तीन ये सारे दोनों साइड चेक कर लेने। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें लगाएंगे मॉस्फेट, तो अभी ये बेस इसकी ओके हो गई है, तो सबसे पहले अपन ये इसकी 12 वोल्ट डाली, जो 12 नहीं सॉरी इसके 24 वोल्ट निकाल लेंगे कनेक्शन, 24 वोल्ट निकाल देंगे, उसके बाद इसको फिल्टर को कर लेंगे डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने के बाद इसमें लगाएंगे मॉस्फेट। ठीक है, तो मॉस्फेट लगा के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपने एक इस साइड पे लगाएंगे, एक इस साइड पे लगाएंगे, उसके बाद इसको करेंगे ऑन करने के बाद फिर अपन चेक करेंगे भाई प्रॉपर वोल्ट भी ओके बन रहा है, कोई फॉल्ट भी नहीं हो रहा, अपने मॉस्फेट गर्म भी नहीं हो रहे, उसके बाद जो तो 3-4 दूसरे हैं ना वो लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज डबल में लगे होते हैं, 1, 2, 3, 4 या डबल में इसकी बेस एक ही है, 1, 2, 3, 4 इसकी बेस एक है, तो एक इस साइड पर एक इस साइड पर लगा के चेक करेंगे, ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद अपन पता लगाएंगे भाई इसमें कोई फाटे वगैरह कोई मसला वगैरह तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मसला वगैरह कोई होगा तो ये अपने 2 जलेंगे, ठीक है, अगर नहीं तो ये सारे जल जाएंगे, तो इस वजह से मैं 2 लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, तो 2 ने लगा लिए हैं आईआर, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, तो अब इसको करेंगे ऑन करने के बाद अपन चेक करेंगे भाई इसके लोड वगैरह सारा सही सिस्टम चल रहा है, अगर कोई शॉर्ट वगैरह होगी तो नुकसान अपना सिर्फ ये 2 आईआर का होगा। सही है, अगर चारों के चारों लगा देंगे इस साइड पे 4 इस साइड पे, तो अपन को शॉर्ट सर्किट होगा, कोई मसला होगा तो 8 का 8 जल जाएंगे, तो अपना नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी 2 लगा के करते हैं इसको ऑन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 2 आईआर पे इसको कर लिया है ऑन,